hello learners welcome back to your very own channel smart learner hub today we are going to continue our ncrt series class 6 textbooks chapter 13 fun with magnets so as we start our chapter there are two character paheli and bujo तो ये पहेली और बुझो जो है वो एक मार्केट प्लेस पे जाते हैं वहां पे वो देखते हैं कि एक बहुत लंबा कूड़े का ढेर है और एक क्रेन है हीप ऑफ जंग एंड लॉन्ग हेट अ ब्लॉक ओवर अ हीप इट इज बिगैन टू मूव गेस वॉट मैनी पीसेज ऑफ आयरन जंग वॉज टेकिंग टू द ब्लॉक एज एट मार्केट प्लेस पर जो कूड़े का ढेर लगा हुआ था वहां पर वो क्रेन जो है वो उसमें से कुछ पीसेस को उठा रही थी तो उन्होंने सोचा कि ये जो है आयरन पीसेस हो सकते हैं और उन्हें ये कैसे पता चला बिकॉज उन्होंने दे जस्ट हैड रेड वेरी इंटरेस्टिंग बुक ऑन मैग्नेट्स एंड न्यू इमीडिएटली तो उन्होंने मैग्नेट्स के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी थी तो उनको समझ में आ गया कि ज़रूर उस क्रेन के एंड पर मैग्नेट लगा होगा जिसकी वजह से जंक यार्ड से वो क्रेन आयरन उठा रही थी आप लोगों ने भी देखा होगा मैग्नेट और उनके साथ जरूर खेला होगा हैव यू सीन स्टीकर अटैच टू द आयरन सर्फेस लाइक अलमीरा और डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स आपने ऐसी कोई सरफेसिस पे देखे होंगे जहाँ पे डोर पर अलमीरा पर इस तरह के आयरन लगी होती है जिससे वो हम उसको खोलते हैं या बंद करते हैं तो वो फिर स्टिक हो जाती है जैसे फिगर थर्टीन पॉइंट टू में आपके कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं अगर आपके गूगल केसेस भी कुछ इस तरह के होते हैं जिसमें मैग्नेट होती है वो अच्छे से बंद हो जाते हैं या आपका पेंसिल बॉक्स है ये रिफ्रिजरेटर है या इस तरह से ऑल पेंस वगैरह जो इसमें मैग्नेट लगी होती है तो वो अपने आप आकर उसको चिपक जाते हैं तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है There is very interesting story behind how magnets were discovered. तो एक ग्रीस में एक शेपर्ड था चरवा जो कि गोट्स और शीप को चलाता था और वो अपनी शीप और गोट को लेके जाता था माउंटेन पे चढ़ाने के लिए उनको खाना खिलाने के लिए ही वो टेक अ स्टेक विथ हिम टू कंट्रोल हिज हर्ट और एक स्टिक उसके हाथ में होती थी और अपने उन लोगों को उनको जो शीप्स और बोर्ड्स होती थी उनको एक लाइन में चलाने के लिए वो लेके जाता था उसको द स्टिक स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच टू द वन एंड और जो स्टिक थी उसके एक एंड पर एक आयरन का पीस लगा हुआ था वन डे ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिस् स्ट फ्रॉम अ रॉक ऑन द माउंटेन तो एक दिन क्या हुआ कि वो ऐसे लेके जा रहा था ऐसे करके अपने उनके जो भी शीप्स थे गोट्स थे तो एक दिन वहाँ पे रॉक पे उसकी स्टिक जो है वो ऐसे लग गई और उसने बहुत कोशिश करी लेकिन वो आसानी से वहाँ से नहीं हटी लुक लाइक दिस कैट

इस तरह की जो रॉक्स होती हैं उनका नाम दिया गया मैग्नेटाइट पर है नेम ऑफ दैट शेपर्ड उस शेपर्ड के नाम पे ही मैग्नेटाइट कंटेन आयरन सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नीशिया और कुछ लोगों को लगता है कि वो मैग्नीशिया पे फर्स्ट डिस्कवर हुआ था दस्टे सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नोन एज मैगनेट्स दिस इज हाउ स्टोरी गोस और जो भी सब्सटेंस जो है आयरन आए, को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उनको हम क्या कहते हैं मैग्नेट। एनी केस पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड दैट सर्टेन रॉक हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग ऑल्सो फाउंड दैट स्मॉल स्पेशल प्रॉपर्टीज दे नेम दिज नेचुरिंग मटीरियल मैगनेट इस तरह से लोगों ने डिस्कवर किया कि कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं कि जिससे आयरन जो होता है लोहा वो अट्रैक्ट होता है आयरन की पीसेस दे ऑल्सो फाउंड दैट स्मॉल पीसेस ऑफ दीज रॉक हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज दे नेम नेचुरली अकरिंग हैट और कोई कोई से ऐसे स्मॉल पीसेस होते हैं जिनके अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं और उसका नाम इन लोगों ने क्या दिया मैग्नेट्स लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट फ्रॉम पीस ऑफ आयरन वॉज डिस्कवर्ड और उसके बाद ये प्रोसेस हमारा आयरन के पीसेस से मैग्नेट को बनाने का उसकी डिस्कवरी हुई दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स नाउ डेज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर प्रिपेयर इन डिफरेंट शेप फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट हॉर्शू मैग्नेट सिलेंड्रिकल और अ बेल एंडेड मैग्नेट हैज शोन इन दिस फिगर यू कैन परफ फॉर दिस यू हैव टू टेक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप फिक्स इट ऑन अ स्ट विद देल्प ऑफ कैम एज लाइक शोन इन द फिगर एंड प्लेस अ मैग्नेट इन साइड द कप एंड कवर इट विदर सो दट मैग्नेट इज नॉट वो पेपर उसके अंदर कप के अंदर रखना है उसको और पेपर से जो है उसको कवर कर देना है अटैच अ थ्रेड टू द क्लिप मेड अप ऑफ आयरन फिक्स द एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड लाइक दिस mind you trick involve here to keep the length of the thread sufficiently short Isko chote bring the clip near the base of the curve this clip is raised in here without support like a kite and you can show your magic to someone else now uh, we will learn about magnetic and non-magnetic material so for this we will do our activity too. let us walk to the footstep of magnesium मैगनीस की तरह चल के देखते हैं कभी आप लोग अपने स्कूल के ग्राउंड में जाइए और या फिर अपने प्ले ग्राउंड में निकल जाइए और आप उस शेपर्ड की स्टिक पर मैग्नेट लगी हुई थी इसी तरह से हम किसी हॉकी हौक, स्टिक और वॉकी स्टिक और क्रिकेट विकेट को टेप और सम ग्लू लगाकर वो कर सकते हैं लेटेस्ट नाउ गो आउट ऑन अ मैगनीस वॉक हम लोग मैगनीस की वॉक की तरह चल के जाएंगे थ्रू द स्कूल प्ले ग्राउंड व्हाट डज अवर मैग्नेस्टिक पिकअप फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट इन द क्लासरूम कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ डे टू डे यूज फ्रॉम योर सराउंडिंग टेस्ट डीज विद मैग्ने और आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को वहां से रास्ते में से कलेक्ट करके लाइए उनको इकट्ठा करिए और आप जो है उसको मैग्निस्टिक से उसको टच करके देखिए कौन सा अट्रैक्ट हो रहा है और कौन सा नहीं इसी के बेसिस पे आपको ये अपनी टेबल को फॉर्म करना है तो इस एक्टिविटी से हमें ये समझ में आता है कि कुछ मैग्नेट्स ऐसे कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं और कुछ होते हैं जो कि अट्रैक्ट नहीं होते हैं द मटेरियल विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक और जो कि मटेरियल मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं उनको मैग्नेटिक कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आयरन निकल और कोबाल्ट ये तीन कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं द आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड अ मैग्नेट आर कॉल नॉन मैग्नेटिक और जो कि नहीं होते उनको नॉन मैग्नेटिक कहते हैं वॉट मटीरियल डू यू फाइन्ड टू बी अ नॉन मैग्नेटिक फ्रॉम थ्री कौन सा मटीरियल आपको ऐसा लगा जो कि आपकी स्टिक से जो है नहीं चिपका इस सॉइल अ मैग्नेटिक और अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल अब आप लोग ये बताएंगे कि सॉइल जो है वो मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल अब बूझो जो है उसने एक क्वेश्चन रखा है आप लोगों के लिए कि एक टेलर है उसकी वो स्टिच कर रहा था बटन्स उसकी शर्ट के तो उसकी जब वो स्टिच कर रहा था तो क्या होता है कि उसकी जो निडल होती है जो सुई होती है वो नीचे गिर जाती फ्लोर पे तो कैसे वो टेलर उसको निडल को फाइंड करेगा ओके नाउ यू हैव टू थिंक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अब आती है हमारी एक्टिविटी थ्री अब इसमें आपको क्या करना है कि आयरन के कुछ बार्स लेने हैं और उनको ना स्वाइड में ऐसे ऐसे करके रब करना है और जब आप आयरन के मैग्नेट uh, को उठा मतलब वहां से मैग्नेट को उठाएंगे आर देर आर पार्टिकल्स और सैंड सॉइल स्टकिंग टू द मैग्नेट कोई पार्टिकल ऐसे हैं जो अभी भी लगे रह गए हैं फिर आपको उसको ऐसे करके झाड़ देना है तो आप उसके बाद देखिएगा देर आर सम पार्टिकल्स स्टिल स्टिकिंग टू इट कोई ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जो कि अभी भी लगे रह गए हैं माइट बी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन फिलिंग्स पिकअप फ्रॉम द सॉयल जो बिल्कुल झाड़ने के बाद भी रह गए तो वो जरूर क्या होंगे आयरन के फीलिंग्स होंगे जो कि सॉयल में थे थ्रो सच एक्टिविटी वी कैन फाइंड आउट वेदर सॉयल और सैंड फ्रॉम अ गिवन प्लेस कंटेन पार्टिकल दैट है तो इस तरह की एक्टिविटी से हमें ये पता लग सकता है कि इस जगह हमें आयरन मिल सकता है कि नहीं Try this activity near your home, school or places you visit on your holiday. आप आप ये एक्टिविटी आप कहीं पर भी जाते हैं तो वहां पर परफॉर्म कर सकते हैं डज द मैगनेट विदन फिल्स टेकिंग टू इट लुक लाइक एनी वन ऑफ दोज शोन इन फिगर थर्टीन पॉइंट ऑफ यूर फाइंड टेबल थर्टीन पॉइंट टू मैगनेट रब हाउ मैनी आयरन फिलिंग यू हैव टू नेम द लोकेशन कॉलोनी टाउन सिटी ऑफ विज डिंग्स टेकिंग टू द मैगनेट नाउ मूविंग टू वर्ड थर्टीन पॉइंट टू poles of magnet. We observe that iron filling, if they are present, stick to a magnet rubbed in the soil. Did you observe anything special about the way they stick to the magnet? आपने जब हमने rub करा उसको soil में उसमें iron fillings जो हैं चिपक गए. है. लेकिन आपको कुछ special लगा कि वो किस किस तरीके से चिपकते हैं? And here comes another activity.

you can do this activity using pens iron nails or places of iron filling also with magnet of different shape draw a diagram to show the way iron fillings stick to the magnet is your drawing similar to that, that shown in 13.6a like this we find that iron filling are attracted more towards the region close

या फिर आयरन नेल्स लेने हैं इस तरह की चीज़ें लेके आपको बार मैग्नेट से वो डिफ़रेंट डिफरेंट उसको एक आप डालेंगे उसको उसके बाद बार, बार मैग्नेट से देखेंगे कि वो पोल्स पे उसके अट्रैक्ट हो रहे हैं फिर आप दोबारा से करिए परफॉर्म फिर एक और बार करिए और फिर उसको आप ड्रॉ करके कंपेयर करिए कि वो किस तरह से अट्रैक्ट होते हैं फाइंडिंग डायरेक्शन मैग्नेट वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशियंट टाइम मैग्नेट को हम हाँ लोगों को बहुत पुराने टाइम से जानते हैं मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट ऑल्सो नोन टू दैम और इस तरह से इसी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैग्नेट की उनको पता है यू मस्ट हैड अबाउट मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट यूज ऑफ मैगनेट और आप लोगों ने भी क्या कोई इस तरह की स्टोरीज सुनी है मैगनेट के बारे में वन सच स्टोरी अबाउट अ एम्पर इन चाइना नेम हॉन्ग टी इसी तरह की एक स्टोरी थी एक एम्पर के बारे में जो कि चाइना के थे उनका नाम था हॉग टी इट इज सैड दैट ही हैड अ चैड विद अ स्टैच्यू ऑफ अ लेडी दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन लाइक दिस वो किसी भी स्टैचू ऐसे करके उस पर एक स्टैचू बना हुआ था तो वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट होता था द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी इट वुड रेस्ट इन सच पोजिशन दैट इज एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड साउथ तो जो स्टैचू की प्रॉपर्टी थी तो उसमें क्या था कि वो उसकी जो एक्सटेंडेड आर्म थी वो हमेशा कहाँ जाती थी उसको आप रोटेट करेंगे तो साउथ की तरफ जाती थी बाई लुकिंग एट द एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द स्टेचू द एम्पर वॉज एबल टू लोकेट डायरेक्शन वेन यू वॉन्ट टू न्यू प्लेसेज ऑन हर्ज चार तरह से वो जो एम्पर थे वो अपना उसको डायरेक्शन तय कर लेते थे कि ये जो है इसका जो एक्सटेंडेड आर्म है इधर है तो ये साउथ पोल होगा नाउ हेयर कम एक्टिविटी फाइव Take a bar magnet. Put a mark on one of its end for identification. Now tie a thread on the middle of the magnet so that you can suspect it from a wooden stand like this. Make sure that the magnet can rotate freely. Let it come to the rest. Mark two points on the ground to show the position of end of the magnet when it come to rest. एंड यू कैन फाइंड आउट दैट कि जो एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट होती है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रेस्ट करती है लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट द लाइन शो द डायरेक्शन इन विच मैगनेट वॉज पॉइंटिंग इन द पोजिशन ऑफ रेस्ट नाउ रोटेट द बार मैग्नेट बाई जेंशिंग वन एंड इन एनी डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू द रेस्ट अगेन मार्क द पोजिशन ऑफ टू एंड इन द पोजिशन ऑफ रेस्ट टू द मैगनेट नाओ पॉइंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन क्या आपको लगा कि आपने एक बार घुमाया वो अनदर डायरेक्शन uh, में उसने रोटेट करा रोटेट द मैग्नेट इन द अदर डायरेक्शन नोट द फाइनल डायरेक्शन इन विच इट कम टू रेस्ट और फिर दोबारा से उसको घुमाए डू यू फाइंड द मैग्नेट ऑलवेज कम टू द रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन जैसे आप उसको बार बार घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही डायरेक्शन में वो जो है रेस्ट कर दिए हैं नाओ यू कैन गेस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टैचू इन एम्प्र चेरी ऑट रिपीट दिस एक्टिविटी विद आयरन बार एंड अ प्लास्टिक और अ वुडन स्केल स्टैंड इंस्टेड ऑफ मैग्नेटिक आप लोग ये एक्टिविटी किसी प्लास्टिक और वुडन स्केल से भी करके देखिए डू नॉट टू यूज लाइट ऑब्जेक्ट फॉर दिस एक्टिविटी एंड अवॉइड डूइंग इट वेयर देर आर करंट ऑफ एयर डू द अदर मटीरियल ऑल्सो कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन और दूसरी मटीरियल भी आप इस चीज़ को देखिए कि वो भी क्या सेम ही डायरेक्शन में रुकते हैं इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि जो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट होती है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके रुकती है विच इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन यूज द डायरेक्शन ऑफ राइजिंग सन इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टूवर्ड ईस्ट वेयर यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट टू योर एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट टूवर्ड्स नाउ नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग End for the north pole of the magnet. The other end that point towards south is called south-seeking end or the south pole magnet. जो एक end होता है उसका जो नॉर्थ की तरफ होता है तो उसे नॉर्थ सीकिंग कहते हैं और जो साउथ की तरफ होता है तो वो साउथ सीकिंग पोल होता है उसका मैग्नेट का और जो magnet की ये प्रॉपर्टी है वो हमारे लिए बहुत important है और काम की है फॉर सेंचुरीज ट्रेवलर्स हैव बीन यूजिंग मेकिंग यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैगनेट टू फाइंड डायरेक्शन और बहुत सेंचुरीज तक लोगों ने जो पुराने जमाने के थे इस uh, टेक्निक को यूज करा डायरेक्शन को पता करने के लिए इट इज़ सैड दैट इन ओल्डन डेज ट्रेवलर यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग नेचुरल मैगनेट विद अ थ्रेड विच दे ऑलवेज रीड विथ डेम तो हमेशा उनके हाथ में एक मैग्नेट होती थी और एक थ्रेड से वो करते थे उससे वो डायरेक्शन का पता करते थे लेटर ऑन डिवाइस वॉज डेवलप बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट और उसी के ऊपर एक नया डिवाइस फॉर्म हुआ डेवलप करा गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर इट इज नोन एज द कम्पास कम्पास के नाम तो आप लोगों ने सुना होगा कंपास इज यूजली अ स्मॉल बॉक्स विद्लास कवर ऑन इट एक बॉक्स होता है इसके ऊपर एक ग्लास होता है अ मैग्नेटाइज निडल is pivoted inside the box which can rotate freely the compass also had a dial with direction mark on it the compass is kept at the place where we wish to know the direction its needle indicate the north south direction when it come to rest the compass is then rotated until the north and south mark on the dial at the two end of the needle to identify north pole of the magnetic needle it is usually painted in a different color इसका कलर अलग होता है अंदर वाला अलग होता है जब उसको हमें डायरेक्शन को पता करना होता है तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वो हमें बता देता है यू कैन मेक योर ओन मैग्नेट बाई यूजिंग बार मैगनेट एंड प्लेस वन ऑफ द नाउ टेक अ बार मैगनेट एंड प्लेस वन ऑफ द पोल नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन विदाउट लिफ्टिंग द बार मैगनेट मूव इट अलॉन्ग लेंथ ऑफ आयरन बार टिल यू रीच द अनदर एंड नाउ लिफ्ट द मैगनेट एंड ब्रिंग द पोल द सेम पोल यू स्टार्टेड विद टू द सेम पॉइंट Of the iron bar from which you began, move the magnet again along the bar from the same direction. Repeat this process for 30 to 40 times like this, making your own magnet. Move the magnet. Bring a pin or some iron filling near the bar magnet to check whether it is a become a magnet. If not, continue the process for some time. you have to remember that the poles of the magnet and the direction of its movement should be should not change you can use an iron nail and a needle or a blade or convert them into a magnet aap kuch bhi use kar sakte hain koi iron nail ho needle ho blade ho usko aap use karke usko इस activity के through आप अपनी खुद की एक magnet बना सकते हैं. now coming towards the last topic of this chapter attraction and बार मैगनेट ऑन द टॉप ऑफ ईच कार अलॉन्ग स्लैंथ एंड फिक्स विद रबर बैंड जैसे कि आपके फिगर में दे रखा है थर्टीन पॉइंट थर्टीन ने तो इसमें आपने एक टॉय कार ली और इसके ऊपर मैगनेट को अटैच किया रबर बैंड से उसके बाद उसको मार्क कर दीजिएगा ए और बी से इन ए इन कार ए कीप द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स इट्स फ्रंट प्लेस द मैग्नेट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इन कार बी लाइक दिस नाउ प्लेस द टू कार क्लोज टू वन द डू यू फाइंड वॉट डू यू ऑब्जर्व डू द कार रिमेन एट द प्लेसेस टू कार रन अवे फ्रॉम अदर डू मूव एज बिफोर नोट द डायरेक्शन इन विच द कार मूव नेक्स्ट प्लेस अ कार बिहाइंड कार बी एंड नोट द डायरेक्शन इन दे मूव इन ईच केस रिपीट द एक्टिविटी बाई प्लेसिंग कार तो आपको इस तरह से मैग्नेट को एक तरफ साउथ uh, पोल रखना है एक तरफ नॉर्थ पोल रखना है एक जगह और फिर उसके बाद उसको उल्टा करना है यहाँ पे सेम पोल्स को यूज करना है तो so, इसको करने के बाद आपको क्या पता चलता है दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व बाई सस्पेंडिंग अ मैग्नेट एंड ब्रिंगिंग वन और द बाई वन द पोल्स ऑफ अनदर मैगनेट नियर वे आपको कुछ कॉशन्स दिए गए हैं मैग्नेट लूज दे प्रॉपर्टी इफ दे आर हीटेड हैमर और ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट ऑल्सो मैगनेट बिकम वीक इफ दे आर नॉट स्टोर प्रॉपरली अब मैग्नेटेड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं या लॉस धीरे धीरे करके कम हो जाती हैं अगर उन्हें हीट कर दिया जाता है या फिर हथौड़ा से मार दिया जाता है या फिर उसको बहुत ही हाइट से गिरा दिया जाता है उनको सेफ रखने के लिए बार मैग्नेट्स को तो जो है पेयर्स के साथ रखना चाहिए विथ अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड वाइल टू पीसेज ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड प्लेस अक्रॉस देयर एंड लाइक दिस स्टोर योर मैग्नेट सेफली फॉर हॉर्स शू मैग्नेट वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल keep magnet away from cass uh, cassettes mobile television music system compact and the computer so here we come to end of our chapter i hope you understand if you like this video please do subscribe my channel and hit the bell icon thanks for watching